मॉर्निंग क्लास, आज हम पढ़ेंगे लेसन 8। आज से हमारा सिलेबस शुरू हुआ है FA2 का, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट सेक्शन। इसमें सबसे पहले हम लेसन पढ़ेंगे पार्ट आर, राष्ट्रीय त्योहार। भारत में कई राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। देखिए, भारत फसलों से जुड़े त्यौहार मनाता है, फसलों और त्यौहारों का ही देश है। हमारे यहाँ जब फसल आती है तब भी हम उसे इंजॉय करने के लिए त्यौहार मनाते हैं। मौसम के अनुसार यहाँ फसल बदलती रहती, सभी बच्चे ध्यान देंगे। फसलों के साथ कुछ त्यौहार जुड़े हैं। भारत के किसान फसल पकने की खुशी में त्यौहार मनाकर खुशियाँ प्रकट करते हैं, ठीक है। राज्य के लोग अलग अलग प्रकार के त्यौहार मनाते हैं। हमारे यहाँ कई राज्य बटे हुए, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर त्यौहार भी मनाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी त्यौहार हैं जिन्हें संपूर्ण राष्ट्र एक साथ मनाता है। ऐसे त्यौहार कौन से हैं? राष्ट्रीय त्यौहार। कौन से हैं? राष्ट्रीय त्यौहार। इन त्यौहारों को मनाने का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों में देश के प्रति भक्ति तथा समर्पण का भाव बनाए रखना, कि हम सब अलग अलग होते हुए भी एक है, इसलिए ये त्यौहार हम एक साथ मिलकर के मनाते हैं, जो हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रदर्शित करता है। 15 अगस्त एक राष्ट्रीय त्यौहार है, इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम यहाँ पर राष्ट्रीय त्यौहार लिखेंगे। नंबर 1 पर यहाँ लिखेंगे याद करें, ठीक है। इन पॉइंट्स को आपको याद करना है। आप नंबर 1 पर आप लिखेंगे 15 अगस्त। कौन सा हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है? 15 अगस्त। कब बेटा मनाया जाता है ये? क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये हमारा 15 अगस्त राष्ट्रीय त्योहार, ठीक। पहला राष्ट्रीय त्योहार 15 अगस्त है, दूसरा 26 जनवरी, ठीक है, तीसरा है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर क्या मनाते हैं इसी ना? गांधी जयंती। क्या मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस, और 15 अगस्त को क्या मनाते हैं हम? कौन सा दिवस है ये? स्वतंत्रता दिवस। ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार क्या है? राष्ट्रीय त्यौहार। ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। आप देखिए बच्चों, 15 अगस्त एक राष्ट्रीय त्यौहार है। सभी बच्चों को मालूम है कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? 1947 का 15 अगस्त 1947। अभी कौन सा सन चल रहा है? 2020। और हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947। इस दिन हमारा देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। और ये सन चल रहा है इस समय, ठीक है। तो इस दिन सार्वजनिक भवनों, सरकारी भवनों और स्कूलों में हम क्या करते हैं?
तिरंगा झंडा फहराते हैं और बड़ी बड़ी इमारतों में प्रकाश करते हैं। रात के समय लाइट लगाई जाती है, सुंदर सुंदर भवनों को सजाया जाता है, जैसे संसद भवन, कौन सा, राष्ट्रपति भवन आदि बहुत सुंदर सजते हैं। अगर आप लखनऊ में जाओगे तो आपको बहुत सुंदर सजा हुआ दिखाई देगा। 15 अगस्त में वहाँ बहुत ही अच्छा लगता है, लगता है यहीं पर आज़ादी मनाई जा रही है। ठीक है, प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराते, कौन फहराता है लाल किले पर तिरंगा, कौन फहराता है, प्रधानमंत्री जी, कौन फहराता है, हाँ, जिससे पूरा राष्ट्र सलामी देता है। इस दिन सभी सरकारी और निजी भवन देश के सम्मान में बंद रखे जाते हैं, पर तिरंगा अवश्य फहराया जाता है, सभी लोग इसमें शामिल भी होते हैं। 26 जनवरी हमारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो 26 जनवरी 1950 कब, 26 जनवरी 1950 इस दिन क्या हुआ था बच्चों, इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, हमारे देश के लिए कुछ कानून बनाए गए थे। अगर कानून नहीं बनाए जाएंगे तो देश कैसे चलेगा, सब अपनी मन मर्जी करेंगे। जैसे घर में कानून बनाया जाता है, घर में पापा कानून बनाते हैं, इतने बजे आपको खेलना है, इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे सोकर उठना है ना, हम अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर सकते, नहीं तो हम सोते रहेंगे और स्कूल नहीं आएंगे, रोज स्कूल हमारा मिस हो जाएगा। इसलिए देश को भी चलाने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। किसने किया था ये, भीमराव अंबेडकर ने, किसने, हाँ, बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान नामक एक पुस्तक लिखी थी। देश में गणतंत्र की स्थापना की खुशी इस त्यौहार के रूप में फूट पड़ता है। इस दिन राजपथ पर राष्ट्रपति तिरंगे झंडे को सलामी देते, कौन, राष्ट्रपति, कौन देते हैं, और 15 अगस्त को कौन झंडा वंदन करते लाल किले पर, मोदी प्रधानमंत्री जी, कौन, और राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, राजपथ पर क्या करते हैं, तिरंगे झंडे को सलामी देते हैं। विजय चौक से भव्य परेड निकाली जाती है। अभी आपने कभी परेड नहीं देखी होगी, टीवी पे आप देख सकते हैं, इस बार जब 26 जनवरी होगी तो आप लोग घर जाकर के उस परेड को देख सकते हैं। परेड में सैनिकों की टुकड़ियां, सुंदर सुंदर झांकियां निकलती हैं, सभी प्रदेश से झांकियां आती, कहाँ से आती हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से भी एक झांकी सजा के दिल्ली ले जाई जाती है। बहादुर बच्चों को सजे हुए हाथियों पर बैठाया जाता है। बहादुर बच्चे कौन होते हैं, कौन होते बहादुर बच्चे, जो बच्चे दूसरे बच्चों की रक्षा करते हैं या कोई महान कार्य करते हैं। जैसे किसी बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, ट्रेन के आगे से कोई बच्चा गिर गया है और कोई बच्चा जा कर के उसको, उसकी जान को बचा लेता है, तो उसको राष्ट्रीय पुरस्कार देते हैं ऐसे बच्चों को। अगर आपने यहाँ पर भी कोई अच्छा कार्य किया है तो ऐसे बच्चों को वहाँ पर बुलाया जाता है और राष्ट्रपति जी उन्हें सम्मान देते हैं, उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और उनके ड्रेस की व्यवस्था सब वहाँ से की जाती है और सुंदर सुंदर हाथियों पर उनको बैठाया जाता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं से सलामी देते, तीन सेना कौन सी होती है, जल सेना, स्थल सेना और वायु सेना। आपने देखा होगा एरोप्लेन चलता है, वो वायु सेना होती है, कौन सी, वायु सेना। और आपने देखा होगा जो गाड़ियाँ निकलती रहती हैं, निकलती है ना गाड़ियाँ, बच्चे उनको बाय करते हैं, वो सेना कौन सी होती है, स्थल सेना। और नेवी वाली जो जहाज पे चलती है वाइट ड्रेस पहनकर, वो कौन सी सेना है, जल सेना। तो जल सेना, स्थल
स्थल सेना, वायु सेना के सैनिक लोग आते, कमांडर्स लोग आते, उनकी टुकड़ियां होती हैं अलग अलग, उनको राष्ट्रपति जी सलामी देते हैं, वो देश की रक्षा करते हैं। परेड में भारत की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया जाता है, बड़े बड़े तोप टैंक जो हमारे भारत के पास है। एक एरोप्लेन आया चिनूक, आप लोगों ने देखा चिनूक को? नहीं देखा है? अभी जब पिछले साल स्कूल लग रहा था, चिनूक स्कूल के ऊपर से उड़ता था, अजीब टाइप का एरोप्लेन था। देश के कोने कोने से आए कलाकार छात्र छात्राओं के दल और स्कूल के स्टूडेंट्स भी जाते परेड में। झांकियां परेड में सही, इस दिन सरकारी कार्यालय विद्यालयों में विशेष कार्यक्रम। 26 जनवरी को हमारे स्कूल में भी कार्यक्रम होता है ना, लड्डू मिठाई बंटती है बच्चों को। 2 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? गांधी जयंती। क्या मनाते हैं? क्यों मनाते हैं गांधी जयंती? उस दिन हमारे देश के राष्ट्रपति महात्मा गांधी जो थे, जिन्होंने हमें देश की आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है, सबसे बड़ा उन्हीं का सहयोग था कि अंग्रेज भारत से चले जाएं और हमारे देश को हमें दे दें, आज़ाद कर दें। अंग्रेज हमारे देश में रहते थे, हमें लोगों को परेशान करते थे, उन्हीं का कानून हमारे देश में चलता था, हम उनके नौकर हो गए थे, दास हो गए थे, जैसा वो कहते थे हमें वैसा ही करना पड़ता था। पर देश हमारा था, कानून उनका चलता था, इसलिए हमारे लोगों ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया कि हम आप लोगों की बात नहीं मानेंगे, हमें अपना देश चाहिए। तो अंग्रेज डर के मारे यहाँ से भाग गए और बाद में बापू जी को एक व्यक्ति ने गोली मार दी थी देश आज़ाद होने के बाद। तो उन्हीं की याद में उनके जन्मदिवस के रूप में हम गांधी जयंती मनाते हैं। राजघाट जहाँ पर उनको दफनाया गया था, वहाँ प्रार्थना सभा होती है। क्या होती है? हाँ, गांधी जयंती मनाकर एक पूरा राष्ट्र श्रद्धा पूर्वक। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।